नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज क्लास 10th का मैथमेटिक का पेपर था, यानी बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th के हो रहे हैं उसके मैथमेटिक का आज फाइनल एग्जाम था। तो उस फाइनल एग्जाम में जो पेपर आया था उस पेपर का संपूर्ण हल मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों ही टाइप के जो पेपर है, यानी कि दोनों टाइप के जो बच्चे हैं, उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप पूरी तरीके से हल उसका देखेंगे, यानी जो एक्सरसाइज आई थी शुरू में, यानी कि जिसमें चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका भी आपको आंसर बताने वाला हूँ। और साथ ही उसमें जो लघुत्तरी दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन आए थे, वन वर्ड क्वेश्चन आए थे, उनका भी पूरी तरीके से उसका संपूर्ण हल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सामने आपको ये पेपर है, यहाँ पे देखिए S109 ये पेपर है, मैथमेटिक 2022। ये सारे कुछ लिखा हुआ है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 91 एंड 21। इसका आपको HCF निकालना। आपको मालूम है कि 91 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 × 7 आएगा, और अगर 21 का करोगे तो आपका आएगा 3 × 7। तो इसमें 7 इसका क्या है कि एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 7, जबकि यहाँ पे 7 कोई भी आंसर नहीं दे रखा है। इसका मतलब पहले ही क्वेश्चन इसका गलत है, यानी क्वेश्चन का मतलब इसका पहले क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है वो चारों ही गलत है। उसका सही आंसर कितना है, 7 है। इसका मतलब इसको जिसने भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा, कुछ भी इसका आंसर लगा दिया होगा तो भी आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव सोल्यूशन, इसके कितने सोल्यूशन है, कितने इसके सोल्यूशन आएंगे, कितने इसके आंसर आएंगे। तो इसके क्या आंसर आएंगे, 9 सोल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये इसका आंसर हो गया, कोई हल नहीं। ओके, इसका जो दूसरा जाएंगे हम अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो ये इक्वेशन दे रखी इसका आपको सम ऑफ जीरो निकालना। सम ऑफ जीरो मतलब जो जीरोस होते हैं उसका योग कितना आता है। ठीक है, योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो इसका आंसर -b/a हो गया। फिर द डिस्क्रिमिनेट, यानी विभक्तर आपको यहाँ पे निकालना है। विभक्तर का आपको फॉर्मूला मालूम है, b² - 4ac होता है। यहाँ पे b कितना है, 4 है, तो आप 4 रख दीजिए माइनस का, 4² - 4 × a 1, और c कितना है, 4, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो। फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के ऊपर हम केवल 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इसके बीच की आपको दूरी पता करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना है। और आपको फार्मूला तो पता ही होगा, ये x² - x1² + y² - y1² तो बी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में ये देखिए इसका इंग्लिश वर्जन है, HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो नंबरों का HCF का गुणा अगर दो नंबरों के LCM से करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, तो ये आता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी दोनों नंबरों का गुणनखंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इन द लाइन दिस एंड ये एक इक्वेशन है, इसमें अगर एक्स की वैल्यू 3 हो तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो हम x के प्लेस पे 3 रख देते हैं, प्लस y = 8, तो y की वैल्यू 8 - 3, यानी कि कितना आएगा, 5, तो y की वैल्यू होगी 5। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, उसकी अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है, अब इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए जो है वो पहला पद है और जो डी है वो क्या है, दोनों टर्म का जो डिफरेंस होता है, यानी सार्वांतर उसको बोलते हैं। तो उस अगर ऐसा है तो आप nth टर्म, यानी कि nवा पद इसका क्या होगा, तो nवा पद क्या होगा, a + n - 1 × d, ये इसका nवा पद होगा। इसके बाद ईच स्क्वायर आर, सभी प्रकार के जो स्क्वायर होते हैं या वर्ग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं सिमिलर, यानी समांतर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड, अगर कोई सर्कल है उसको कोई लाइन अगर 2 जगह पे काट रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सीकेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अगर रेडियस आर है तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का, तो वो होता है π r². ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाने का देख क्वेश्चन देखिए, sec 90 - θ जो होता है वो होता है cosec θ, ये हो गया 1 नंबर पे, cos θ की वैल्यू होती है 1/sec θ, ये हो गया 2 नंबर पे, साइन 0 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 3 नंबर हो गए,
कोस 90 कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसका आंसर हो गया है 4। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, यानी ये हो गया आपका पांचवा। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर लिखेंगे तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा गया। ठीक है, इसी टाइप से हम आगे चलेंगे। अगला अब यह है, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे हमको एक वाक्य में इसका आंसर देना। ठीक है, तो देखें यहाँ पे यहाँ लिखा, इफ ए एंड बी एंड सी आर द रियल नंबर एंड ए देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज विच फॉर्म। अगर ए और बी, ए बी सी रियल नंबर है तो उसकी जो द्विघात समीकरण बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, तो ये होगा इसका आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा पाइथागोरस थ्योरम। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन से इसका डिस्टेंस निकालना, आपको मालूम है ओरिजन जीरो जीरो होता है और एक पॉइंट आपको दे रखा है एक्स और वाई, अगर इसमें वैल्यू रखोगे आप इस टाइप से एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। ठीक है, वाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर जो होती है उसकी क्लास को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, या बहुलक क्लास। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जो इम्पॉसिबल हो, जो हो ही नहीं सकता, इस प्रकार इसकी प्रायिकता क्या होती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है, जीरो होती है। कभी भी जब पी ई और पी नॉट ई, यानी यस और नो दोनों को अगर जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स एक्स माइनस वन जीरो आर जीरो एंड वन, वो कह रहे हैं इसका जो आंसर है वो एक तो जीरो है और एक वन है, तो देख लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, ये दो आंसर है वन और जीरो, इसका मतलब ये ट्रू हुआ। अगर इसको देखते हैं तो ए की वैल्यू आपके पास टेन है, और अगर डी की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी यहाँ पे माइनस थ्री, और इसकी क्या बोल रहे हैं टेंथ टर्म, टेंथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस नाइन डी। अगर ए की वैल्यू हम 10 रखते हैं या 9 और डी की वैल्यू माइनस 3 रखते हैं तो 10 माइनस 27 मतलब माइनस 17 आ रहा है, जो कि यहां भी लिखा है, इसका मतलब ये ट्रू हुआ। अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, सिमिलर ट्राइंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन का फॉर्मूला इन्होंने लिखा पायर स्क्वायर, जबकि आपको मालूम है पायर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सिलेंडर का, यानी कि ये बेलन का फॉर्मूला होता है, जबकि इनने पूछा है कोन का, यानी कि शंकु का फॉर्मूला पूछा है, और शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, यानी कि अर्ध गोले का आयतन पूछा है। अर्ध गोले का आयतन मालूम आपको 2/3 पाई आर क्यू होता है, जबकि यहाँ पे 4/3 यानी कि पूरे गोले का आयतन दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये करेक्ट है, ये इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर। अब ये जो यहाँ से क्वेश्चन है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन है कि सम संख्या जो होती है वो इस फॉर्म में आती है, और जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या उसका फॉर्म इस टाइप का होता है, यानी 2q+1 टाइप का होता है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं कैसे होता है। तो आप क्या करो, क्यू के प्लेस पे अपनी तरफ से वैल्यू रख दीजिए 1, 2, 3, तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो आंसर 0 आता है, सॉरी 0 रखता हूँ तो 0 आंसर आता है, 2 रखता हूँ तो 2 आता है, 1 रखता हूँ तो 2 आता है, 2 अगर रखूंगा तो 4 आंसर आएगा, अगर 3 रखूंगा तो 6 आंसर आएगा। तो देखिए 0, 2, 4, 6 सारे इवन नंबर है, सारे सम संख्या है, तो इसका मतलब ये करेक्ट बोल रहे हैं। अब हम इधर वाले पे चलते हैं, यहाँ भी 0, 1, 2, 3 रख के देखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 1 आंसर आएगा, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आंसर आएगा, और 3 रखेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो सारे देखिए 1, 5, 3, 7 सारे आंसर क्या है, एक ओड नंबर है, मतलब सारे ही विषम संख्या है, इसलिए ये जो उन्होंने बोला था वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 यहाँ पे मैंने गलती से 12 लिख दिया, आप इसको 6, 72 और 120 से सॉल्व करेंगे, तो 2 से सॉल्व करा 3 आया, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 360, तो इसका जो एलसीएम आएगा 360 आएगा। ठीक है, 7 ने बोला था कि इस इक्वेशन को आप क्या करिए, इसके मूल निकालिए, यानी कि इसके जो जीरो से वो निकालना था, वो भी
वो भी गुणनखंड मेथड से निकालना था, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालना था। तो मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके आंसर निकाले, तो इसके आंसर आए हैं x की वैल्यू आई -1/3 और x की वैल्यू आई 3/2, ये दो आंसर इसके होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला था कि अगर किसी सम ऑफ रूट जो है वो 1 हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 हो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि जो मूल है उसका योग और मूलों का गुणनफल दोनों ही 1-1 है तो इसकी समीकरण क्या बनेगी। तो आपको मालूम फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू इक्वल टू जीरो, ये फार्मूला होता है। तो आप दोनों जगह 1-1 रख दीजिए तो यहाँ 1 × x + 1 = 0, तो इसका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ 7 का। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको एक सीरीज दे रखी, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और डी पूछा था, यानी प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा, -5, तो ए की वैल्यू तो -5 आ गई, डी की वैल्यू होती बी माइनस है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना, तो -1 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो जगह 5 में से बन गया तो 4, इसका आंसर आएगा 4। इसी का जो और क्वेश्चन है 21, 18 और 15 up to -180, तो वो कह रहा है कि -180 जो है वो कौन सी टर्म होगी इसकी, यानी कि n की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या, a तो आपको दे रखा है फर्स्ट और d आपने निकाल लिया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। ठीक है, तो 18 - 21 कितना है, -3 आया। अब ये l वाले जो फार्मूला है इसके अंदर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आता है 35th टर्म, यानी कि 35th टर्म जो होगी वो होगी इसकी 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने से बोला था कि एक पॉइंट है उसकी आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट के जो बिंदु है वो निकालना था, बिंदु के निर्देशांक। तो फार्मूला आपका होता है x = m1 x2 + m2 x1 / m1 m2, और इसी टाइप से y का भी होता है। यह हमने सभी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो यहाँ पे ली थी, तो आपका आंसर आया x = 1 and y = 3। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का जो और है, और मैं आपसे क्या कहा था कि 4 पॉइंट दे रखे थे और एक पॉइंट की वैल्यू ने गायब कर दी, यानी यह पी लिख दिया था, इस पी की वैल्यू हमको पता करनी थी। तो मैंने यहाँ फार्मूला यूज किया ये वाला x1 + x2 / 2 and x1 + x2 / 2, क्योंकि अपने को मालूम है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके जो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल, मतलब इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो अगर मैं इक्वल करता हूं तो इसके आंसर पी की वैल्यू आती है 7। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पूछा था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 x1 / 2 - y3 + x2 / 3 - y1 + x3 / y1 - y2, ये आपको फार्मूला यूज करना था। ये फार्मूला यूज करके मैंने आंसर निकाला, तो इसका आंसर आया 2 यूनिट। ठीक है, इसी का और क्वेश्चन था कि अगर ये समरेख है, यानी कि कोलिनियर है, तो k की वैल्यू पता करना था आपको। फिर से मैंने वही फार्मूला यूज किया, और इक्वल टू में क्या यूज किया, 0, क्योंकि जब कोलिनियर होता है या समरूप होता है तो उसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, एरिया उसमें 0 आता है। तो k इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 0। सॉल्व करके देखोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, 11 के बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि साइन a इक्वल टू 3/4 अगर है तो आपको कोस ए और टेन ए की वैल्यू पता करनी थी। तो मैंने पहले एक ट्रायंगल बना लिया, और साइन क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने अगर निकाला तो 3/4 आया यहाँ पे, 3/4 के हिसाब से मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, आपको मालूम पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। अगर √7 आ गई तो कोस थीटा का फार्मूला होता है b/h। ठीक है, तो √7/4 आ गया, क्योंकि बी ये है और ये, तो √7/4, इससे 10 की वैल्यू, 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 3/√7। ठीक है, ये दो आंसर हो गए। इसी का जो और क्वेश्चन है वो कह रहे थे कि अगर 10a = 1 हो तो आप 2 sin a cos a की वैल्यू पता करिए। तो 10a को मैंने 1/1 अपनी तरफ से लिख लिया, क्योंकि 1 नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10a का जो फार्मूला होता है आपको मालूम है, 10a = होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी यहाँ भी 1 आएगा यहाँ भी 1 आएगा। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो ये आपका कर्ण आ जाएगा √2, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस। अगर मैं ऐसा कर लेते हैं तो साइन ए की वैल्यू निकाल सकते, साइन ए निकाल सकते, साइन ए होता है p/h, तो 1/√2 हो जाए। इसी तरह से कोस ए होता है b/h, तो ये भी 1/√2 होगा। ये दोनों ही वैल्यू मैं इस क्वेश्चन में रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने ऐसा रखता हूँ तो √2 क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 12 के बाद 13 क्वेश्चन, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट का फार्मूला 1/4 × 10 × 10 −1/2 × 10 × 10 तो इसका आंसर आएगा 28.50 आप करके देखेंगे ठीक है। इसी का दूसरा है लेंथ ऑफ द अर्थ यानी त्रिज्या खंड की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 × 2πr या मैंने वैल्यू पुट अप कर दी उसका आंसर आया 22। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आपसे बोला था कि अगर एक ताश्ती गड्डी है उसमें से एस यानी कि इक्का नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात करनी थी। तो अपने मालूम टोटल आउटकम्स इसके कितने होते हैं 52 होते हैं, इक्के इसमें कितने होते हैं 4। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले इक्के लाने की प्रायिकता निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4/52 यानी 1/13, लेकिन आपको नहीं लाने की थी तो 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो 1 − 1/13 तो ये जाएगा 12/13 ठीक है। इसके बाद इसी का और क्वेश्चन है कि अगर ई की वैल्यू पीई की वैल्यू ये है तो पी नॉट ई निकालना था। नॉट के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ता है, 1 में से पीई को माइनस करना पड़ता है। तो 1 − 0.06 अगर माइनस करते हैं तो 0.94 आता है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 94/100 इसको कैंसिल करते हैं तो 47/50 इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी कि इसको गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना था। इसके दो आंसर आए −2 and 3/2 ठीक है, −2 and 3/2। इसी का दूसरा और क्वेश्चन था उसमें क्या करना था, इसकी जो प्रकृति है यानी कि इसका जो एक इक्वेशन दे रखी है इसका अपने बताया कि नेचर कैसा था। तो नेचर के लिए फार्मूला आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ता है b² − 4ac इसकी जो भी वैल्यू है, जैसे इसकी वैल्यू आई थी −31 जो कि 0 से क्या है ये छोटी है। अगर जो d है वो 0 से अगर लेसर आता है यानी छोटा आता है तो वो इमेजिनरी रूट बोलते हैं उसको, या फिर उसको नॉट रियल रूट बोलते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपने से बोला था कि इसकी कौन सी टर्म जो है 78 होगी, कौन सी टर्म इसकी 78 होगी। तो फिर से a की वैल्यू हो गई ये, और ये यहाँ से इसको इसमें माइनस करेंगे तो d निकल जाएगा। तो दोनों निकाल लिए हमने, a की वैल्यू हो गई आपके पास 3 और d की वैल्यू हो गई आपके पास 5। आपका फार्मूला होता है l का, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें मैंने वैल्यू रख दी तो इसका आंसर आया 16 यानी 16 टर्म जो है वो इसकी 78 होगी। इसी का दूसरा क्वेश्चन था कि थर्ड टर्म किसी की थर्ड टर्म 4 है और इसकी जो नाइन्थ टर्म है वो −8 है। तो आपने को बताना था कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। तो मैंने क्या करा, थर्ड टर्म का फार्मूला लगा दिया a प्लस 2d होता है और नाइन्थ टर्म का फार्मूला था a + 8d। इसको मैंने क्या करा कि इसको सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, तो d की वैल्यू क्या आ गई −2। अब d की वैल्यू क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, ये a प्लस 2 × −2 = 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपको a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। तो फार्मूला क्या होता है, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, l के प्लेस पे रखेंगे 0, 0 इक्वल टू a, a वैल्यू आपके पास 8 है, 8 n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास −2 आई थी। तो ये हो जाएगा कितना, −8/−2 = n − 1, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो n = 5 है, फिफ्थ टर्म जो इसकी होगी वो 0 होगी ठीक है। देखिए एक थ्योरम तो ये है, ये पहली थ्योरम है, ये आपको यहाँ से दिख जाएगी पूरी ठीक है। ये देखिए ये थ्योरम, ये उसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में जो बच गया था। तो AD/AB = AE/AC ठीक है, ये हो गया। इसी इसके बाद इसके दूसरा क्वेश्चन, ये थेल्स थ्योरम है, वैसे आपको आप जानते हैं थेल्स थ्योरम को, ये थेल्स थ्योरम पूरी की पूरी यहाँ पे आ गई है ठीक है, क्वेश्चन सर्कल चैप्टर के ठीक है। प्रूव दैट द इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14 का आर क्वेश्चन। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टचेस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी थी और इसको हमको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। तो इलिमिनेशन मेथड जब सॉल्व किया तो ये दो वैल्यू आई इसकी, एक्स की आपको वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 4 और एक्स की वैल्यू कितनी है 2 ठीक है। इसका दूसरा भी क्वेश्चन था कि इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई आपके पास कितनी 19/5 और y की वैल्यू अगर देखा जाए y की वैल्यू मिलेगी आपको 6/5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक डायग्राम बनाना था, तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये दोनों डायग्राम यहाँ पे बने हुए ठीक है। इस टाइप से आपको बनेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऐसे डायग्राम आपको बनेंगे ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में दो तरह एक डायग्राम देख रहे होंगे आप, इस टाइप का डायग्राम बना था ये
ठीक है, गिलास है लेकिन इसका पेंदा जो है वो उभरा हुआ था, तो आपने बताना कि इसका एक्चुअल जो कैपेसिटी वो कितनी थी, और ये अगर ये ऊपर ऐसा होगा तो फिर कितनी है, दोनों निकालना था। तो पहले मैंने एक्चुअल कैपेसिटी निकाली, यानी जो अगर ये उभरा हुआ नहीं होता तो कितनी होती है इसकी, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक क्या है सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच लगाया तो 785 आया। अब अपेरेंट कैपेसिटी यानी इसके सहित अगर निकालोगे तो कितनी निकलेगी, तो अपन ने क्या करा पाई आर स्क्वायर एच में से 2/3 पाई आर क्यू निकाल दिया, क्योंकि 2/3 क्योंकि 2/3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक अर्धगोला यानी कि एक हेमिस्फीयर बन रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो आया 2523.33। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो उसको। इसी का जो और क्वेश्चन है उसमें h की वैल्यू 24 और r की वैल्यू 6 दे रखी थी, तो हमने वैल्यू ऑफ कोन निकाल लिया, पहले वैल्यू ऑफ कोन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि शंकु का आयतन निकाल लिया, तो ये निकला आपके पास पाई 6 × 6 × 8। वो कह रहे हैं इस कोन को गला कर एक स्फीयर बनाया, तो आपको मालूम जितना कोन होगा उतना ही तो स्फीयर होगा, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों की फार्मूले दोनों के फार्मूले रख दिए और उसमें उसकी वैल्यू रख दी, तो आर की वैल्यू आपको मिल गई 6। ठीक है, ये 22 क्वेश्चन हो गए। अब 22 के बाद आपको 23 यानी लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इसका जो आंसर देखेंगे आप तो वो आपको मिलेगा 545.2। ठीक है, और इसी टाइप से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा इसका और क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप मेथड कोई सी लगा सकते हैं, क्योंकि हम मेथड नहीं बोली थी मैंने, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से या अज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व किया, आप उस किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आया 152.8। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप चाहें तो अभी आप पता कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ये सारे अगर इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन किए तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, अगर थोड़ी बहुत गलती है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे के पेपर भी मैं इस पे डालने वाला हूँ, तो प्लीज आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिएगा। जय हिंद।